नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक बार मैं सड़क पे जा रही थी, एक दुकान पे नजर पड़ी, लिखा था ईश्वरीय दुकान। जिज्ञासा बढ़ गई, अरे इस दुकान में बिकता क्या है। जैसे ही मेरे मन में ख्याल आया, मैंने अपने आप को दुकान के अंदर पाया। मैंने इधर उधर देखा, प्यारी सी खुशबू, देवदूत खड़े थे जगह जगह, बहुत प्यारा स्वागत किया उन्होंने। एक देवदूत ने अपनी टोकरी पकड़ाई, मुझे बोला लो बेटा जो खरीदना है खरीद लो, यहाँ वो सब कुछ मिलता है जो एक इंसान को चाहिए। मैंने टोकरी ले ली और मैंने कहा चलो शॉपिंग की जाए। शॉपिंग करने लगी, देखा तो वहां पे प्रेम बिक रहा था। प्रेम का एक दो डब्बा डाल दिया कि प्रेम की तो बहुत जरूरत है, प्रेम डाल दिया। आगे देखा सूझबूझ भी ले लिया, विवेक वो भी मैंने अपनी टोकरी में डाल दिया। टोकरी मुझे लगा कि चलो दो चार डब्बे तो इसमें आए हैं, और देखती हूँ और क्या क्या है। मैंने आगे देखा विश्वास भी खरीद लिया, पवित्रता। मैंने कहा पवित्रता तो चाहिए भाई, जीने के लिए पवित्रता के बिना तो जिया नहीं जाएगा, चलो पवित्रता भी ले लेते हैं। पवित्रता ले ली, अब मेरी टोकरी भरने लगी, मेरी और जिज्ञासा बढ़ गई कि यहाँ है क्या क्या। मैं आगे बढ़ गई, शक्ति उसके भी डब्बे डाल लिए, हिम्मत तो चाहिए, क्या कुछ हो रहा है आजकल आगे पीछे, हिम्मत नहीं होगी तो चलूंगी कैसे, हिम्मत के डब्बे भी डाल दिए। सहनशीलता नहीं होगी तो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जीना है ढंग से सहनशीलता भी ले लो, ले ली। अब मैंने सोचा कि मेरी टोकरी तो भर रही है, आगे बढ़ो। मुक्ति के डब्बे भी एक दो खरीद लिए। अब प्रार्थना दिखी, मैंने सोचा प्रार्थना लूं कि नहीं, फिर मैंने कहा मेरे अंदर तो इतने से गुण भर जाएंगे जब गुण, तो अगर भूल हो गई तो प्रार्थना ले लेती हूँ, प्रार्थना करके प्रभु से माफी मांग लूंगी कोई गलती हो गई। अब मेरी टोकरी भर गई, टोकरी उठाई और काउंटर पे चली गई बिल चुकाने। वहां पहुंची, मैंने कहा इसका बिल कैसे चुकाऊं, वो बोले इसका बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है, तुम ये टोकरी ले जाओ और ये सारा सामान बांट डालो, जितना ज्यादा इसको यूज करोगे, जितना जल्दी इसको बांटोगे, तुम्हारा बिल चुकता चला जाएगा। मैंने कहा ये ढंग तो बड़ा अनोखा है, चलो ठीक है बांट लेते हैं। तो दोस्तों, हमें ईश्वर ने भर भर के दिया है, उस दुकान पे कोई विरला ही चढ़ता है, जो उस दुकान पे चढ़ जाए वो माला माल हो जाता है। उस दुकान का नाम है सत्संग। जितना भी भर के लो खाली तो हो ही जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि आपका अंदर से सब खाली हो गया, टोकरी उठाओ और सत्संग की दुकान पे चले जाओ, अपनी टोकरी को भर के ले आओ और प्रार्थना करो, हे ईश्वर इस दुकान से मैं अगर कुछ भी ग्रहण कर पाऊं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, अपनी कृपा बनाए रखना, अपना विश्वास, अपना हाथ हमारे सर पर जरूर रखना, ताकि मैं आपकी दी हुई चीजों को यूज भी करूं और खूब बांटूं, ताकि मेरा बिल उधार ना रह जाए, चुकता हो जाए। नमस्कार, जय हिंद।